वेलकम टू कैरियर प्लस अकेडमी दोस्तों, आज हम करेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? ऑप्शन है एटजैक, IBM 1401, CDC 1604, ICL 2900। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, एटजैक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था और एक फर्स्ट स्टोरेज कंप्यूटर का स्टोरेज करने वाला कंप्यूटर भी था हमारा एडसेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज? ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल्स, इंटीग्रेटेड सर्किट, नन ऑफ एबव। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, वैक्यूम ट्यूब थे हमारे फर्स्ट जनरेशन का मेन कंपोनेंट और सेकेंड जनरेशन का ट्रांजिस्टर था हमारा, थर्ड जनरेशन का इंटीग्रेटेड सर्किट था, IC था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोरट्रेन इज? ऑप्शन है फाइल ट्रांसलेशन, फॉर्मेट ट्रांसलेशन, फार्मूला ट्रांसलेशन, फ्लॉपी ट्रांसलेशन। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, फार्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, EEPROM रोम स्टैंड्स फॉर? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 1956 टू 1965 थी हमारी सेकेंड जनरेशन। नेक्स्ट, द कंप्यूटर साइज वॉज वेरी लार्ज इन? सबसे जो बड़ा कंप्यूटर साइज होता था वो होता था हमारा फर्स्ट जनरेशन में, इसमें हमारी वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था, फर्स्ट जनरेशन में सबसे बड़ा साइज होता था कंप्यूटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर्स एज स्विचिंग डिवाइस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर्स? इसका राइट आंसर है हमारा, जो माइक्रो प्रोसेसर था वो यूज हुए थे हमारे फोर्थ जनरेशन में, आंसर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज कैन बी सेव्ड टू डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, OCR। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय? जो प्रिंटर की क्वालिटी है उसे मापा जाता है हमारा डॉट पर इंच में, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, डॉट पर इंच में जो क्वालिटी है प्रिंटर की मेजर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एनालॉग कंप्यूटर्स, तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म। जो एनालॉग होते हैं उसमें इनपुट को कन्वर्ट नहीं कर सकते डिजिटल फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, बोथ सिक्वेंशियल एंड पैरेलल। जो लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर होते हैं उसमें हमारी जो एग्जीक्यूशन होती है हमारी सिक्वेंशियल भी होती है और पैरेलल भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, जे पिसेपर्स, एकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू मोचली। क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द हाई लेवल लैंग्वेज सी? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, डेनिस एम रिची ने इन्वेंट की थी हमारी सी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनल हु डिजाइन प्रोग्राम ऑपरेट एंड मेंटेन कंप्यूटर इक्विपमेंट रेवर्स टू? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, पीपल पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन बींग इज रेफर टू होमो सेपियन, विच डिवाइस इज कॉल्ड सिलिको सेपियंस? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड बग, वट इज द अल्टरनेट कंप्यूटर जॉगन फॉर इट? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, ग्लिच। इसे ग्लिच भी कहा जाता है बग को, ग्लिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्न कंप्यूटर आर वेरी रिलायबल बट दे आर, इसका राइट आंसर हमारा इनफॉलिएबल। इन वॉट इज द नेम ऑफ डिस्प्ले फीचर दैट हाईलाइट्स आर ऑफ द स्क्रीन विच रिक्वायर्स ऑपरेटर अटेंशन? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, रिवर्स वीडियो के लिए हमारी ज्यादा अटेंशन की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनल कंप्यूटर यूज अ नंबर ऑफ चिप्स माउंटेड ऑन अ मेन सर्किट बोर्ड, वॉट इज द कॉमन नेम फॉर सच बोर्ड? इसमें हमारे सारे चिप्स और कंपोनेंट लगे होते हैं तो उसे कहा जाता है हमारा मदरबोर्ड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मोस्ट IBM PCs, द CPU, द डिवाइस ड्राइव्स मेमोरी एक्सपेंशन स्लॉट्स एंड एक्टिव कंपोनेंट्स आर माउंटेड ऑन अ सिंगल बोर्ड, वॉट इज द नेम ऑफ दिस बोर्ड? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज मेंट बाय डेडिकेटेड कंप्यूटर? जो डेडिकेटेड कंप्यूटर होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, विच इज असाइन वन एंड ओनली वन टास्क। ऐसे कंप्यूटर जिन्हें असाइन किया जाता है ओनली वन टास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम यूनिट
पर्सनल कंप्यूटर टिपिकली कंटेन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी मॉडल। पर्सनल कंप्यूटर हमारा क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, डिसकंट्रोल होता है, इसके इंटरफेस होते हैं, पर मॉडल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट एन इंटायर प्रोग्राम इन टू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड एन, ऐसे प्रोग्राम जो हमारे इंटायर प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देते हैं, कन्वर्ट करते हैं, वो क्या कहते हैं हमारे ऑप्शन सी इज राइट आंसर कंपाइलर। कंपाइलर होता है हमारा पूरे प्रोग्राम को ही मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, होते हैं हमारे कंपाइलर, जैसे सी सी प्लस प्लस कंपाइलर पे कंपाइलर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंप्यूटर दैट ट्रांसलेट वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम इन टू अ मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड ए एन, इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए इंटरप्रेटर, जो केवल एक ही इंस्ट्रक्शन। अ स्मॉल और इंटेलिजेंट डिवाइस इज सो कॉल्ड बिकॉज इट कंटेन्स विद इन अ कंप्यूटर, इट्स द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फॉल्ट इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच प्रिवेंट्स इन द फॉर्म वर्किंग करेक्टली इज नोन एज अ स्ट्रैप, राइट आंसर इज ऑप्शन डी स्ट्रैप। अ फॉल्ट इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच प्रिवेंट इट फ्रॉम वर्किंग करेक्टली नोन एज स्ट्रैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टेट इज बाय स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट हैज लैटिन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर लैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनवांटेड रिपीटेशियस मैसेज सच एज अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल इज नोन एज, राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए स्पैम, स्पैम होती है हमारी अनवांटेड ईमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉस स्टैंड्स फॉर, इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चीफ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, तो सभी को होता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट के चीफ हमारे ऑप्शन बी बिल गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइसेस, ऑप्शन है कीबोर्ड माउस कार्ड रीडर, इसका राइट आंसर है एनी ऑफ दिस, इनमें से कोई भी हमारी इनपुट डिवाइसेस है, सारी की सारी इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइसेज आर, ऑप्शन है स्क्रीन प्रिंट स्पीकर, तो ऑल ऑफ दीज, सारी की सारी हमारे आउटपुट डिवाइसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो इसका राइट आंसर है हमारा CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, IBM स्टैंड्स फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है इसकी फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम एट अ रन टाइम लाइन बाई लाइन, जो लाइन बाई लाइन कन्वर्ट करता है होता है हमारा इंटरप्रेटर, और जो होल प्रोग्राम को करता है होता है हमारा कंपाइलर, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी लाइन बाई लाइन इंटरप्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज एन उस प्रिंसिपल, तो उसका प्रिंसिपल क्या है हमारा, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, इनहेरिटेंस, लिंकिंग, तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी इनहेरिटेंस, इसका प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुबोल इज वाइडली यूज इन एप्लीकेशन, जो कुबोल होती है हमारी कहाँ यूज होती है, ऑप्शन है कमर्शियल, साइंटिफिक, स्पेस, मैथमेटिकल, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए कमर्शियल यूज, या कमर्शियल यूज है इसका कुबोल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन बाइट इज इक्वल टू, राइट आंसर इज ऑप्शन ए 8 बिट, और निबल होता है हमारा 4 बिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, SMPS स्टैंड फॉर, इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइस यूज टू कैरी डिजिटल डाटा ऑन एनालॉग लाइन्स इज कॉल्ड एज, ऑप्शन ए मॉडम, डिवाइस यूज टू कैरी डिजिटल डाटा ऑन एनालॉग लाइन इज कॉल्ड मॉडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो इज कॉल्ड, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी बोथ स्क्रीन एंड मॉनिटर बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, बायोस स्टैंड्स फॉर, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से रिपीट हो गया हमारा, तो बताएं फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज डैनियल सृजी, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स अ कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट द प्रोसेसिंग टास्क आर रेफर्ड टू एज कंप्यूटर, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए प्रोग्राम।
इंस्ट्रक्शन जो प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को टास्क करती है, हाउ टू गेट द प्रोसेस एंड टास्क रेफर टू एज ए कंप्यूटर, होते हैं हमारे प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एरिया ऑफ अ कंप्यूटर दैट टेम्प्रेरी होल्ड डाटा वेटिंग टू प्रोसेसिंग इज, तो इसका राइट आंसर है हमारा मेमोरी, टेम्प्रेरी होल्ड करती है हमारी मेमोरी डाटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश इज अ की टू क्लोज सिलेक्टेड ड्रॉप डाउन लिस्ट, कैंसिल अ कमांड एंड क्लोज अ डायलॉग बॉक्स। तो डायलॉग बॉक्स को क्लोज करने के लिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लोज करने के लिए हम यूज करते हैं एस्केप की। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ की वी यूज टू रन द सिलेक्टेड कमांड, द सिलेक्टेड कमांड को रन करने के लिए यूज करते हैं हम एंटर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश इज अ फंक्शन की टू डिस्प्ले सेव एज बॉक्स, तो सेव एज के लिए यूज करते हैं हम F12। तो बहुत इंपॉर्टेंट है F12 हमारा यूज होता है सेव एज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा बिकम्स डैश डैश व्हेन इट इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्मेट दैट पीपल कैन बी अंडरस्टैंड एंड यूज। डाटा इंफॉर्मेशन बनता है जब पीपल इसे अंडरस्टैंड कर सकें। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना होगा। थैंक यू।